मैं बताना था आप लोगों को, भूल गई थी कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। एंड सुबह सुबह अहमदाबाद में देखकर इतना मज़ा आ रहा है मुझे, बट थोड़ी देर में मज़ा किरकिरा होने वाला है क्योंकि थोड़ा सा यू कैन अंडरस्टैंड राइट। हाय गाइस, सो फाइनली वेलकम बैक। और अभी बज गए 10:02 और मैं हो गई हूँ रेडी। सो घर से मैं नहा धो के आई थी, लेकिन अब मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ डॉक्टर के पास। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास और कुछ टेस्ट हो के उसके बाद सीधा सर्जरी होगी। तो चलते हैं, मेरे चलो। कलरा वुमेंस हॉस्पिटल, सो ये मेरा ना सबसे मेमोरेबल जगह है क्योंकि मेरी दोनों डिलीवरी यहाँ पे हुई है और मेरे अंकल का है कौशिक व्यास का एंड अनीशा व्यास। तो मेरे लिए और भी सब कुछ स्ट्रेस भी होता है क्योंकि थोड़ा घर जैसा ही माहौल होता है मेरे लिए। और पता नहीं, मुझे ये ना सर्जरी वगैरह से बिल्कुल ही डर नहीं लगता था। मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल और ये है हॉस्पिटल का जो कॉस्ट्यूम होता है वो। और अब सबर का बांध थोड़ा सा टूट रहा है क्योंकि 5 घंटे से ना पानी पिया है ना कुछ। अभी मेरे ब्लड टेस्ट हुए, अभी आईवी वगैरह सब डलेगा, उसके बाद ले जाएंगे मेरे को ओटी में। तो अभी बस वेट कर रहे हैं मैं मम्मा, हम लोग बस वेट कर रहे हैं और बस जल्दी जल्दी हो जाए, जितनी भी सुइयाँ चुबानी है चुबा दे, लेकिन जल्दी जल्दी हो जाए। और 2000 years later हाय गाइस, सो सर्जरी मेरी डन हो गई है और आई डोंट नो आपको आवाज़ आ रही होगी या नहीं, क्योंकि ये मैक्स निकल रही है अपने मुँह से आवाज़ है। सर्जरी सक्सेसफुल है, लेकिन एनेस्थेसिया की वजह से ऑलमोस्ट 3 घंटे के बाद उठी हूँ, बट अभी भी पेन है, दिक्कत मुझे है, लेकिन पेन किलर्स वगैरह है तो भी और 2-4 घंटे रेस्ट करती हूँ, दिल भी रिकवर हो जाएंगे। माई टंग स्टिल थोड़ा सा फंबल कर रही है फोन में, मुझे सीरियसली लग रहा है कि मैं अभी इस सर्जरी के बाद भी इतनी अच्छी कैसे लग रही हूँ। बट इंटरनेट तो मुझे लगा आप लोगों को बता दूँ बिकॉज यू आर माई फैमिली इक्वल टू अभी। वॉइस ज़्यादा नहीं निकल रही है तो ज़्यादा बात नहीं कर रही, अभी थोड़े 2-3 घंटे के बाद मैं आपसे बात कर। हेलो गाइस, सो फाइनली वेलकम अगेन। और ऑलमोस्ट ये है मेरी मम्मा, तो मेरे को ऑलमोस्ट हो गया है 4 से 5 घंटे हो गए तो अभी तक आई भी है। तो अभी हम घर पे जाएंगे डिस्चार्ज, उन्होंने बोला था जब आपको बेटर फील हो तो हो जाएगा, क्योंकि ओवरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम था तो वही सर्जरी सब ऑल डन है और मैंने 5 घंटे ऑलमोस्ट रेस्ट किया है। मेरी मम्मी ने बहुत सेवा करी है मेरी, और वो भी है माँ होती है तो सब अच्छा ही लगता है। और अब हम जाएंगे घर और वहाँ पे फिर मैं 2-3 घंटे आराम करूँगी, क्योंकि जैसे ये मेरी माँ है वैसे मैं भी किसी की माँ हूँ, तो मुझे इसीलिए रात को घर जाना है। एंड अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि कुछ खाया वाया, सुबह से मैंने खाया भी नहीं था तो इस वजह से भी प्रॉब्लम थी, तो मैं सोचा मम्मी को भी ब्लॉग में ले लूँ आज। तो चलो अब पहले चलते हैं घर, मैं चेंज करती हूँ और फिर चलते हैं, ये कपड़े निकालते हैं और चलते हैं। चले अच्छे से खाली बनने के बाद मेरी तबीयत आखिर ख़राब हो ही गई और अब यहाँ से सीधा घर जाके मैं बहुत सारे घंटे रेस्ट करूँगी और मैं आपको सीधा मिलूँगी एयरपोर्ट पे, बिकॉज़ घर में मैंने 1% भी शूट नहीं किया।